तो दोस्तों आपकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड के अनुसार एक बार फिर से जो मैं आ चुका हूँ जयपुर में हनी कार्स पर, जैसे हनी कार डीलरशिप पर आ चुका हूँ। ये वही डीलरशिप है, ये वही कार बाजार है जो कि मतलब इनके पास में जो गाड़ियों को सेगमेंट रहता है ना वो नाम से यूज्ड रहता है लेकिन गाड़ी बिल्कुल शोरूम पीस रहती है। जैसे बिल्कुल शोरूम पीस, नीट एंड क्लीन, पूरा सर्विस रिकॉर्ड इनके पास में रहता है सभी गाड़ियों का। जैसे बिल्कुल वेल मेंटेन रखी हुई गाड़ियाँ रखते हैं और बहुत ही शानदार डील के साथ में ये बिजनेस करते हैं, मतलब व्यापार करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड के अनुसार एक बार फिर से जो मैं हनी कार्स पर आ चुका हूँ और यहाँ का जो एपिसोड आप का जो सेगमेंट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वन बाय वन करके। तो आज क्या है कि मिक्स सेगमेंट है, तो मिक्स में से 10-12 गाड़ियाँ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो भी आपके डील में बैठे वो आपको खरीदनी होगी। जैसे अगर आपके बैठे तो वो खरीद लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको लो बजट की गाड़ियाँ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसको कम रेटों की गाड़ियाँ जो मैं दिखाने वाला हूँ। अधिकतर क्या है कि जयपुर में आजकल 10 लाख के ऊपर की गाड़ियाँ रखने लग गए, 5 लाख के ऊपर की गाड़ियाँ रखने लग गए, लेकिन मैं 5 लाख रुपये से भी नीचे की गाड़ियाँ ज़्यादातर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इनके पास भी रखती है ऐसे कोई बात नहीं, 10-12 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक की भी गाड़ी रखते हैं, लेकिन आज के एपिसोड ब्लॉग में 3-4 गाड़ियाँ जो कि 5 लाख रुपये से नीचे की है और 5 लाख रुपये के ऊपर की भी जो मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, लेट स्टार्ट। तो दोस्तों जान लेते हैं सभी गाड़ी के बारे में, हनी कार्स के जो ओनर है मिस्टर महेंद्र जी से सभी गाड़ी के बारे में, और इनसे जानेंगे कि बेस्ट डील क्या देने वाले हैं, मतलब आज के वीडियो में स्पेशल क्या देने वाले हैं अपने को। हेलो सर, कैसे हो? जी सर, अच्छा फर्स्ट क्लास, बिल्कुल सर बढ़िया। अच्छा तो अभी स्टॉक क्या है कि मिक्स सेगमेंट रख रहे हो आप? मिक्स सेगमेंट है सर। अच्छा, क्या है कि सिटीज में आजकल क्या है कि लोअर बजट की गाड़ियाँ ज्यादा रखने लगे और ये कम रखते हैं लोग। नहीं नहीं सर, तो आप सभी का ध्यान रखते हैं की डिमांड के हिसाब से हमने सेगमेंट तैयार कर रखा है। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए इसके बारे में। ये सर अल्ट्रा एलेक्स ही है, दिसंबर 2010 है। अच्छा, फर्स्ट ओनर है और किलोमीटर की बात करें तो करीबन चली हुई है 78,000। फर्स्ट ओनर जयपुर नंबर, बढ़िया गाड़ी है, चारों नया टायर, सर्विस कंप्लीट, A1 गाड़ी है, नॉन एक्सीडेंट, मतलब चारों न्यू टायर है, अल्ट्रा एलेक्स ही है, एसी और पावर स्टीयरिंग मिलती है सर, बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है, 78,000 चली हुई है, सर्विस वगैरह सब कुछ कंप्लीट है गाड़ी की। अच्छा, तो बेस्ट डील में क्या, मतलब बेस्ट से बेस्ट डील बताओ इस गाड़ी की। इसकी बैटरी लेने वाली है सर 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये, तो दोस्तों 1,60,000 रुपये में मिल जाएगी। हो सकता है मार्केट में आपको 1,25,000 रुपये में मिल जाए, 31 में मिल जाए, लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड है। इसके चारों टायर न्यू मिलेंगे, फर्स्ट ओनर गाड़ी मिलेगी, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट मिलेंगे, मतलब सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, मतलब टोटल एसेसरीज इस गाड़ी के अंदर इंक्लूड हो रखी है, मतलब आपको कुछ भी नहीं करवाना एज इट इज, है ना। बाकी फाइनेंस फैसिलिटी थोड़ी हो जाएगी, है ना, मिल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ये होंडा की होंडा अमेज, ये सर अमेज लेने वाली है अपनी 2019 मॉडल, डीजल है पेट्रोल? पेट्रोल है सर। अच्छा अच्छा, फर्स्ट ओनर रहने वाली है, किलोमीटर की बात करें तो करीबन 45,000 चली हुई है। ओके, जयपुर नंबर है, फर्स्ट ओनर है, इंश्योरेंस पूरा है, टायर नए है, सर्विस कम्प्लीट है, सब कुछ A1 रहने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसकी क्या बेस्ट डील है? इसकी प्राइस की बात करें तो सर 6,11,000 रुपये। 6,11,000, तो ये वेरिएंट टॉप वेरिएंट है, सेकंड टॉप वेरिएंट है। नया कितने का है? नया आ रहा है सर ये 9,60,000 करीब। 9,60,000, अपनी क्या डिमांड होता है आपने? 6,11,000 रुपये। तो दोस्तों 6,11,000 है, बहुत ही कम चली हुई कार है, बहुत ही मतलब नीट एंड क्लीन, शोरूम पीस बोल सकते हैं, नाम से यूज है, बाकी शोरूम पीस गाड़ी है। तो इस पर लोन फैसिलिटी 80-90% हो जाएगी आराम से सर, वो अकॉर्डिंग टू आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल पे, प्रोफाइल पे डिपेंड होगा। बाकी ओल्ड राजस्थान आप फाइनेंस? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, ओल्ड राजस्थान। चलिए बढ़िया, ये इसकी बात करते हैं, ये वन अप लूडिक है, 1.6 एसएक्स। अच्छा, जयपुर नंबर, फर्स्ट ओनर, किलोमीटर की बात करें तो मॉडल कौन सा है? 12-13 2013। अच्छा, 13 मॉडल है, वही फर्स्ट ओनर है, किलोमीटर की बात करें तो ये चली हुई है 70,000 करीब। 70,000 कमी चली हुई, मतलब इतने सालों में भी, ना बहुत बढ़िया, कोई सर्विस वगैरह कंप्लीट है, टायर ओके, सब कुछ ओके है, गाड़ी में कोई कमी नहीं, नॉन एक्सीडेंट है, नॉन एक्सीडेंटल है। अच्छा अच्छा जी, ओके बहुत बढ़िया। तो ये सेकंड टॉप मॉडल है? हाँ, मतलब टॉप ही, उस टाइम का तो टॉप ही होगा ये, मेरे ख्याल से टॉप ही है, बाकी एयरबैग वगैरह सब कुछ, स्टेयरिंग माउंट, ऑडियो कंट्रोल, ग्लास, ऑटो फोल्ड, सब कुछ है, सब कुछ है। तो कितनी डिमांड बताइए आपने इसकी? 5.25 लाख रुपये डिमांड। 5.25 लाख रुपये डीजल में, मैनुअल? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ गए अपने, स्विफ्ट आ गई आजकल? हाँ, ये स्विफ्ट पेट्रोल में रहने वाली है सर। अच्छा, 2018 का मॉडल है, ये टॉप मॉडल है स्विफ्ट ZXi+। अच्छा, इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED लाइटें, नेविगेशन, अच्छा मतलब टच स्क्रीन, अच्छा टच स्क्रीन, बैक कैमरा, पुश बटन, सब कुछ आने वाला है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जी जी सब कुछ आने वाला है, मतलब
टॉप एंड मॉडल है, हायर वेरिएंट ये आता है स्विफ्ट का, वो है ये। अच्छा, 2018 मॉडल फर्स्ट ओनर। किलोमीटर की बात करें तो करीबन 52,000 चली हुई है। 52,000 चली हुई। हाँ। अच्छा, प्राइस की बात करें तो प्राइस की रहने वाली 6,00,000 रुपए। 6,00,000 रुपए। चलिए बहुत बढ़िया। टॉप मॉडल हो गए ना जी? बिल्कुल सर, टॉप मॉडल। ये रेनो की डस्टर आ गई। हाँ, डस्टर है सर, ये डस्टर ये रहने वाली है अपनी 2014 का दिसंबर का मॉडल है। अच्छा, वही फर्स्ट ओनर, चारों नहीं टायर, सर्विस कंप्लीट, डस्टर का सेकंड टॉप वेरिएंट है, RXL। RXL, अच्छा। इसमें डस्टर में दो आते हैं इंजन वेरिएंट, 110 और 85। अच्छा, ये वाला है 85। 85 में RXL है ये। RXL है जी। तो ये मतलब एक बेहतर माइलेज प्रोवाइड। बिल्कुल बिल्कुल, माइलेज क्या डिमांड है इसकी? इसकी डिमांड है सर 4,25,000 रुपये। 4,25,000 रुपये। तो दोस्तों देखो, ये है बाहर का स्टॉक, अंदर 5-6 गाड़ियाँ अंदर भी है, तो वो भी दिखा देते हैं। आइए। हाँ सर, अब आ चुकी है अपने पास में रेड ब्यूटी। हाँ सर, ये ऑल्टो एलेक्सा ही है। ये भी ऑल्टो? हाँ। अच्छा, और मॉडल की बात करें तो वो पहले जो देखा वो 2010 था, ये 2011 है सर। ये 2011 है। और इसके अंदर गैस किट लगा हुआ है। अच्छा, एलपीजी? एलपीजी लगा हुआ। वो भी लगा हुआ है इसके अंदर। 11 मॉडल है, एलपीजी लगा हुआ। ये भी फर्स्ट ओनर? फर्स्ट ओनर। मतलब आप ज्यादातर फर्स्ट ओनर पे डील करते हैं सर? अच्छा, बहुत बढ़िया, क्योंकि फर्स्ट ओनर पे इजीली लोन फैसिलिटी वगैरह होती है। और वेल मेंटेन भी रखे हुए हैं, चारों टायर नए हैं, सर्विस कंप्लीट, सब कुछ ओके है। कितनी चल गई है ये? चली हुई है सर 60,000। 60,000 चली, मतलब कमी चली हुई है। अल्टो एलेक्सा ये 11 मॉडल है, पेपर सारे कंप्लीट है, इंश्योरेंस वगैरह फुल इंश्योरेंस है। अच्छा अच्छा, तो क्या डील इसकी? बेस्ट से बेस्ट इसकी डिमांड करें सर 1,70,000 इसकी। 1,70,000 है ना? चलिए बहुत बढ़िया। ये इसके बारे में बताओ। ये सर होंडा की ब्रियो है, 2012 मॉडल है, फर्स्ट ऑनर है। किलोमीटर की बात करें तो चलिए ये करीबन 57,000-58,000। अच्छा जाए। वही चारों नए टायर, फर्स्ट ऑनर, चारों पावर विंडो, एसी, स्टीयरिंग माउंट, ऑडियो कंट्रोल, मतलब लग्जरी वाले सारे फीचर्स है। अच्छा, और होंडा की बात करें तो पेट्रोल इंजन में सबसे बेस्ट है होंडा, सबसे बेस्ट वर्ल्ड वाइज बेस्ट है सर होंडा। सही बात है। देखो होंडा की तो वैसे भी अभी होंडा सिटी मान लो, अमेज मान लो, कितनी भयंकर लग्जरी गाड़ी आती है। बिल्कुल। बताइए रेट, बताइए इसकी रेट की डिमांड करते हैं सर 2,65,000 रुपये। 2,65,000, इतनी लग्जरी फीचर्स होने के बाद में भी इतनी कम रेट? कम रेट। चलिए बढ़िया। ये ग्रैंड आई टेन? ग्रैंड आई टेन है ये की सर, अपनी 2016 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। किलोमीटर की बात करें तो करीबन 47,000 चली हुई है। अच्छा, वही चारों नए टायर, सर्विस कंप्लीट, A1 गाड़ी है, एयरबैग वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, एयरबैग वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। बिल्कुल। पेट्रोल? पेट्रोल। अच्छा अच्छा, क्या डिमांड है? डिमांड की बात करें 4,11,000 रुपये। मॉडल कौन सा बताया आपने? 2016 मॉडल है, 4,11,000 है। और RJ19 जोधपुर पासिंग। चलिए बहुत बढ़िया, दो गाड़ियाँ और है वो भी दिखा देते हैं। बाकी ये I20 दिखती है? हाँ जी, I20 है सर। बताइए I20 सर। RJ42 किशनगढ़ पासिंग है सर, RJ42 में है, फर्स्ट ऑनर है। अच्छा, और किलोमीटर की बात करें तो करीबन 78 ऐसे कुछ चली हुई है। प्राइस की बात करें तो 4,11,000 रुपए है। अच्छा, वही अलॉय वगैरह, एयरबैग वगैरह, बैक कैमरा, सेंसर सब कुछ है गाड़ी के अंदर। अच्छा अच्छा, डीजल में रहने वाली गाड़ी है। डीजल में जी। अच्छा सर, ये जो आप रेटे बता रहे हो वो फिक्स है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर? कोई मान सम्मान कुछ और गुंजाइश होगी तो जरूर करेंगे सर। गुंजाइश होगी देखो, वो तो है। इस वीडियो में मैंने रेटे सारी ऐसी दी है जो कस्टमर को देखते ही पसंद आ जाएगी। सही बात है। और इसमें भी अगर थोड़ी बहुत अगर गुंजाइश अगर होगी तो वो जरूर की जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। सब काम आप ये सोचो कि फोन में जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है, आपको खुद को आना पड़ेगा, गाड़ी चला कर देखनी पड़ेगी। मतलब मैं तो खुद ये गारंटी ले सकता हूँ, अगर आप कोई से भी डीलरशिप पर चले जाना तो जैसे 10 में अगर काउंट करें तो नंबर 1 पर इनका आएगा, क्योंकि ये गाड़ियाँ इतनी लाजवाब रखते हैं, बिल्कुल सर्टिफाइड गाड़ियाँ रखते हैं। मतलब ये खुद ही गाड़ी लेकर आते हैं ना तो सबसे पहले पूरी वेरीफाई करते हैं और फिर एज इट इज जो भी जैसे नॉमिनली ड्राई क्लीन वॉशिंग होती है वही करवाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ये अपनी कौन सी है? इंडिगो? इंडिगो है सर ये, 2013 मॉडल इंडिगो ECS, डीजल में रहने वाली है, 2013 है, फर्स्ट ओनर है। माइलेज तो काफी अच्छी देती है। हां, माइलेज देख सर 20-22 का देगी आराम से, मतलब स्विफ्ट से कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, और बजट कार है, जिनका लो बजट है, डीजल कार में जाना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपए मात्र इसकी डिमांड है। ओनली 1.5 लाख रुपए? केवल 1.5 लाख रुपए। इंडिगो ECS 2013 मॉडल, फर्स्ट ओनर। अच्छा अच्छा, बढ़िया गाड़ी है, इसके भी टायर नए रहने वाले हैं, सर्विस कंप्लीट, A1 गाड़ी है। A1 गाड़ी, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, एज इट इज जो है कंप्लीट है, मतलब ना। तो 1.5 लाख रुपए मिल जाएगी जी डीजल कार। अच्छा अच्छा सर, अपने कॉन्टेक्ट नंबर, अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ जरा बारीकी से बताइएगा। एड्रेस रहने वाला है सर हनी कार्स, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 14, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन जी, जयपुर। और कांटेक्ट नंबर? कांटेक्ट नंबर रहने वाले हैं सर 861-93-99-580।
तो दोस्तों देख सकते हो ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, बाकी और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इनका एड्रेस वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बाकी ये है कि मेरा तो एक ही कहने का मतलब ये रहेगा कि अगर आज की वीडियो में जो भी मैंने गाड़ियाँ बताई है वो बिल्कुल शोरूम पीस है, नाम से यूज्ड गाड़ियाँ, बाकी एज इट इज आपको कंडीशन एवल है, मतलब जो रेटें बताइए ना वो क्वालिटी के पैसे बताएं। अब ये गाड़ियों में ऐसा सिस्टम चलता है, जैसे ये थोड़ी देर के लिए एग्जांपल मान लो 2011 कौन सा मॉडल थी, वो 11 मॉडल थी अल्टो, उसके 160,000 रुपये बताएं 10 मॉडल के तो वो मार्केट में आपको 1-1.5 लाख, 1.5 लाख रुपये में मिल जाती है, तो वो वैसा ही माल होता है। तो एज इट इज ऐसे कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं कि इनमें दाम बढ़ेंगे, तो गाड़ियों का है क्वालिटी के पैसे मिलते हैं, कंडीशन के पैसे मिलते हैं, मेंटेन के पैसे मिलते हैं, और महीने में 15-20 गाड़ियाँ बेचते हैं तो ऐसे ही थोड़ी बेचते हैं, कुछ ना कुछ तो खूबी होगी ना। हर चीज के मतलब दो पहलू होते हैं, तो एक पॉजिटिव है पर आके गाड़ी देखो आप, हाँ मतलब रेट तो ऐसे मान के चलो इन्होंने बताया ही नहीं है, आप पहले आके माल देखो, इन्होंने तो एक आइडिया बताया कि ये रेट है, बाकी 19-20 ऊपर नीचे जो भी होगा वो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो राजस्थान है, बिना मान सम्मान दो कोई सा भी बिजनेस कर लो, पॉसिबल ही नहीं है, करेंगे सर जो भी होगा हाँ। करेंगे माल। अगर आपको इस गाड़ी के 50,000 रुपए भी बताएं तो वो भी ज्यादा लग सकता है, वो वाला सीन है, पहले माल आकर देखो, राजस्थान का तो यही नहीं है। मैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल गाइस, धन्यवाद, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सर, थैंक यू।